सीजन की शुरुआत दो लोगों की जिंदगियों से होती है, जहाँ लिन और यांग दोनों ही अपने काम पर पहुँचने की जल्दी में थे। जैसे ही दोनों दरवाजा खोलने के लिए हाथ लगाते हैं, तो बिजली के झटके से लिन यांग के ऊपर आकर गिरती है। खड़े होते ही वो उससे माफी मांगती वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पता चलता है कि लिन इवेंट प्लानर है, जिसे काफी मेहनत के बाद बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, लेकिन उसके वेन्यू पे किसी सीईओ की सेरेमनी हो रही है। दूसरी तरफ यांग जल्द उसी कंपनी में पहुँच जाता है, जहाँ सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यांग ही वो सीईओ है। यांग अच्छे से तैयार होकर स्टेज के पीछे पहुँच जाता है, तभी वहाँ लिन आकर उसे किसी जॉनी नामी लड़के के बारे में पूछना शुरू हो जाती है। यांग जॉनी को पहचानने से इनकार कर देता है और स्टेज पर जाने लगता है कि लिन उसे जबरदस्ती रोकती है। इस खींचतानी में लिन यांग के कपड़े फाड़ते हुए गलती से यांग की गर्दन पर अपनी लिपस्टिक के निशान छोड़ देती है, लेकिन इस पर दोनों का ही ध्यान नहीं जाता। यांग अपने गार्ड से लिन को कंपनी से बाहर फेंकवा देता है और स्टेज पर चला जाता है। सब उसकी गर्दन पर किस का निशान देख तस्वीरें खींचने लगते हैं और यांग का ये इवेंट ऐसे खराब हो जाता है। लिन एक दूसरी जगह पहुंचती है, जहां उसे जॉनी दिखता है। लिन की सोच से पता चलता है कि जॉनी उसका कंपनी में कॉम्पिटिटर है, जो लिन को बिल्कुल नहीं पहचानता और अंदर जाने के लिए एक रजिस्टर पर साइन करवाता है। लिन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी उसकी नज़र रजिस्टर पर लिखी डेट पर पड़ती है और वो ये देखकर सदमे में रह जाती है कि वो 10 साल पीछे आ चुकी है। लिन जो परेशान घूम रही थी, अपने 10 साल पहले वाले घर में पहुंच जाती है। अचानक लिन के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिस पर लिखा था कि उसे वापस लौटने के लिए यांग को कंपनी का प्रेसिडेंट बनने में मदद करनी होगी, वरना वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। इसी दौरान घर में 10 साल पुरानी लिन, जिसे सब जून के नाम से जानते थे, घुसती है और लिन को देख बेहोश हो जाती है, जिस पर फ्यूचर लिन हैरान हुई घर से निकल जाती है। लिन मैसेज में लिखी कंपनी आ जाती है, जहां यांग के पिता उसके लिए असिस्टेंट ढूंढ रहे थे और यहां लिन उसकी असिस्टेंट बन जाती है। यांग जो लिन को देखकर गुस्से में था, उसे साइड पर ले जाकर बहुत सुनाता है और लिन को कंपनी से निकालने का ठान लेता है। यांग लिन के लिए कंपनी की तरफ से दिए जाने वाले घर को कैंसिल कर देता है, जिस पर लिन बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि ना ही उसके पास पैसे थे और ना ही कहीं जाने की जगह। वो बाहर अकेले घूमने लगती है, जहां उसे यांग अपनी गाड़ी से देख उसके पास आता है और जब उसे लिन के पास कोई घर ना होने का पता लगता है, तो उसके लिए परेशान वो उसे अपने घर ले जाता है। लिन फिलहाल वहां रात के लिए रुक जाती है। सुबह दोनों साथ ऑफिस पहुंचते हैं, जहां यांग को उसके असिस्टेंट से पता चलता है कि उनके होटल में 2 बुकिंग एक साथ हो गई हैं, जिसकी वजह से दोनों अहम क्लाइंट्स गुस्से में हैं। यांग के पिता भी सबके सामने उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन लिन सब संभालते हुए ये कह देती है कि यांग ने पहले ही दूसरा तरीका ढूंढ लिया है। दूसरी तरफ हम जून को उसके बॉयफ्रेंड चैंग के साथ देखते हैं, जो यांग की कंपनी में ही काम करता था। यहाँ ये पता चलता है कि जून ने चैंग से ब्रेकअप के बाद ही अपना नाम लिन में बदल लिया था। यांग के होटल में होने वाली शादी की सारी तैयारियां भी लिन करवा देती है, क्योंकि वो इस काम में पहले से माहिर थी, जिस पर यांग उससे इम्प्रेस होने लगता है। शादी बेहतरीन तरीके से हो जाती है, जहाँ ड्रिंक करने के बाद लिन नशे में आकर सो जाती है। यांग उसे सोता देख उस पर अपना कोट डालते हुए उसे अपनी गोद में उठाकर घर ले आता है। सुबह जब लिन की आंख खुलती है, तो वो अपने बराबर में यांग को लेटा देख पीछे उछल जाती है। यांग उसे बताता है कि रात में वो उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, जो सुनकर लिन शर्मिंदा हो जाती है। लिन को पता चलता है कि सारे घर फुल होने की वजह से कंपनी उसे घर नहीं दे सकती, जिस पर यांग उसे अपने घर में रहने की जगह दे देता है। इसके बाद दोनों कंपनी जाने के लिए निकलते हैं, जहाँ रास्ते में दोनों लड़ाई कर लेते हैं और यांग लिन को पैदल चलने का कहकर खुद गाड़ी से कंपनी आ जाता है। चलते वक्त लिन की नज़र जून पर पड़ती है, जिसे देख लिन को याद आता है कि जल्द वो दिन आने वाला है जब उसे कंपनी से निकाल दिया गया था और उसकी ग्रैंडमा भी हादसे की वजह से कोमा में चली गई थी। लिन कंपनी आ जाती है, जहाँ यांग उसे दोबारा तंग करना शुरू कर देता है। उसकी हरकतें देखकर यांग के पिता लिन को उस पर नजर रखने की जिम्मेदारी दे देते हैं। लिन यांग से चिपकी रहती है, जिस वजह से वो लिन से छुपने लगता है। कंपनी में जरूरी मीटिंग होती है, जहां हम जैन से मिलते हैं, जो यांग के पिता के साथ काम करने वाला पुराना आदमी था और यांग को पसंद नहीं करता था। इसी मीटिंग में यांग की बचपन की दोस्त जाओ भी आ जाती है, जिसे यांग के पिता ने मैनेजमेंट संभालने के लिए रख लिया था, क्योंकि वो उनके दोस्त की बेटी जो थी। आगे लिन और यांग भी एक दूसरे से माफी मांगकर दोस्ती कर लेते हैं। जाओ इनके रिश्ते से बिल्कुल खुश नजर नहीं आती। लिन जो यांग का कंपनी के बाहर घर जाने के लिए इंतजार कर रही थी, उसका चैंग की गाड़ी से छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जहां चैंग उसे देख जून समझने लगता है, लेकिन
तभी चैंग के पास जून की कॉल आ जाती है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। यांग जिसने ये सब देख लिया था फौरन लिन के पास आ जाता है। वो उसे गाड़ी में बिठाकर घर ले आता है जहाँ वो खुद उसके पांव पर दवाई भी लगाता है। यहाँ यांग पहली बार लिन को अपने माजी के बारे में बताते हुए कहता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है और उन्हीं से उसने जड़ी बूटियों की दवाई बनाना भी सीखा है। रात में जब यांग लिन को देखने कमरे से बाहर आता है तो उसे लिन के बराबर में एक लेटर पड़ा मिलता है जिसमें लिन ने उसकी बहुत बुराइयां की थी और साथ ही कंपनी छोड़ने की बात भी लिखी हुई थी। ये सारी बातें यांग का दिमाग घुमा देती हैं और वो लेटर के साथ दोबारा कमरे में चला जाता है। अगले दिन से वो लिन को इग्नोर करने लगता है जिसके बर्ताव से लिन परेशान हो जाती है। लिन को अचानक याद आता है कि उसी दिन उसकी ग्रैंडमा का एक्सीडेंट होने वाला था जिन्हें बचाने वो निकल जाती है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो उस बार भी अपनी ग्रैंडमा को नहीं बचा पाई। लिन जून को हॉस्पिटल में बैठा रोता देख खुद भी बहुत रोती है। कंपनी में यांग के पिता उसे जाओ के साथ एक बड़ा होटल संभालने के लिए दे देते हैं जिसमें वो उन्हें लिन को भी शामिल करने का कहते हैं। यांग इसके लिए तैयार नहीं था इसीलिए जाओ खुद इस बात की जिम्मेदारी लेकर लिन को होटल में वेट्रेस के तौर पर काम करने के लिए कह देती है। लिन को जाओ की बात माननी पड़ती है जिस वजह से वो यांग से नाराज हो जाती है क्योंकि उसने जाओ को नहीं रोका। तीनों होटल आ जाते हैं जहाँ लिन को एक वीआईपी गेस्ट को संभालना था। अब क्योंकि उस वीआईपी को हर चीज से बहुत एलर्जी थी तो लिन उसका कमरा अच्छे से चमका देती है। यांग अपने असिस्टेंट को उसकी मदद करने के लिए भेजता है लेकिन लिन उसे वहाँ से भगा देती है। होटल में जाओ के साथ चक्कर लगाते वक्त यांग की नज़र लिन पर पड़ती है जो पूल साफ कर रही थी। लिन यांग के असिस्टेंट से डरकर पूल में गिरने ही वाली होती है कि यांग उसे बचा लेता है लेकिन इस चक्कर में खुद पूल में गिर जाता है। यांग का असिस्टेंट उसे फौरन होटल के कमरे में कपड़े चेंज करने ले आता है जो वीआईपी गेस्ट का कमरा था। लिन जब वहाँ सब चेक करने आती है तो यांग को बिना कपड़ों के देख चिल्लाने लगती है। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े के बाद यांग लेटर वाली बात सामने ले आता है जहाँ आखिर लिन सब कुछ यांग को समझा देती है कि लेटर उसने शुरू में लिखा था लेकिन अब वो जान चुकी है कि यांग सच में बहुत मेहनती है। अब अपनी तारीफ सुनकर कौन नहीं पिघलता। इसी तरह यांग भी लिन को माफ कर देता है। होटल में जब वीआईपी गेस्ट आता है तो यांग को ये देखकर जलन होने लगती है कि वो जवान आदमी है क्योंकि अब उसकी पर्सनल वेट्रेस होने की वजह से लिन उसके साथ हर वक्त रहने वाली है। यांग लिन पर अपने असिस्टेंट से नजर रखवाने लगता है और उसको पागलों की तरह काम करता देख वो अपने असिस्टेंट से छुपकर लिन के लिए खाना भी भिजवाता है। खाना खाते वक्त अचानक लिन की तबीयत बिगड़ जाती है जिसे यांग संभालने लगता है। वीआईपी गेस्ट की भी तबीयत खराब हो जाती है और उसे भी लिन के साथ हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लिन को जब होश आता है तो वो यांग को अपने पास बैठा देख दिल ही दिल में खुश होने लगती है। वो यांग को समझाती है कि उसे और वीआईपी गेस्ट दोनों को बिल्लियों से एलर्जी है। उसकी तबीयत होटल का रुमाल इस्तेमाल करने से खराब हुई थी यानी किसी ने होटल की इमेज खराब करने के लिए रुमाल में बिल्ली का बाल छुपा दिया था ताकि वीआईपी गेस्ट होटल पर केस कर दे। एक सीन से पता चलता है कि ये सारा काम चैंग ने किया है। जैन के कहने पर यांग के पिता एक मीटिंग बुलाते हैं जहाँ जैन सारा इल्जाम यांग पर डालकर उसे कंपनी से निकालने की बात करने लगता है लेकिन यांग सबसे वादा करता है कि वो सब ठीक कर देगा। लिन भी यांग की मदद करती है और वो वीआईपी गेस्ट को केस ना करने के लिए मना लेते हैं। यांग के पिता उससे खुश होकर उसे एक विला का प्रोजेक्ट संभालने के लिए कहते हैं लेकिन यांग मना कर देता है क्योंकि इस विला को अभी तक कोई भी पूरा नहीं कर पाया है। अब यांग के पिता लिन का इस्तेमाल करते हैं जो यांग को विला के लिए मना लेती है। यांग कंपनी में चैंग को देखता है जिसे डांट पिट रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि चैंग यांग का सौतेला भाई है। यांग जिसे उसके लिए बुरा लग रहा था उसे भी अपने साथ विला वाले काम पर लगा लेता है। अब सब अपना सामान लेकर विला आ जाते हैं जहाँ एक भूत को देखकर सारे ही डर जाते हैं। चैंग इन्हें एक कमरे में ले आता है जहाँ पड़ा मॉडल चैंग गलती से तोड़ देता है। यांग उस मॉडल को देख उदास नजर आता है और लिन की वजह पूछने पर वो उसे बता देता है कि ये मॉडल उसकी माँ ने बनाया था यानी पहले इस विला की जिम्मेदारी यांग की माँ की ही थी। सुबह ये लोग विला के स्टाफ से मिलते हैं जिनका बर्ताव इन लोगों के साथ अच्छा नहीं होता। जाओ भी यांग के असिस्टेंट के साथ विला पहुँच जाती है। यांग जिसे पता था कि कोई भूत बनकर सबको डरा रहा है उस भूतनी को पकड़ने का फैसला करता है। रात में वो उसे पकड़ तो लेता है लेकिन वो लड़की जो वहाँ के शेफ की बेटी थी ये बात मानने से इनकार कर देती है कि वो उन लोगों को डराने की कोशिश कर रही थी। उस लड़की का मानना ये था कि उसे नींद में चलने की बीमारी है। अब क्योंकि उस लड़की को यांग की वजह से चोट लगी थी तो वो यांग को अपनी गलती की जिम्मेदारी
लेने का कहकर उससे शादी करने के लिए कहती है। यांग जो ये सुनकर हैरान था फौरन लिन को अपनी फियांसे के तौर पर सामना करा देता है, जहां लिन भी उसका साथ देती है। यहां तक कि यांग सबको दिखाने के लिए लिन को किस भी कर देता है। विला में रहते हुए सब एक एक करके सारे मसलों का हल ढूंढ लेते हैं, जहाँ यांग शेफ की बेटी को बाहर पढ़ने भेजने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे देता है। विला को बेहतर बनाने का काम शुरू हो जाने की खुशी में सब पार्टी करते हैं, जहाँ लिन बहुत ज्यादा पीकर नशे में आ जाती है। यांग उसे संभालता हुआ अंदर कमरे में ले जाने लगता है कि लिन उसे उसकी माँ के मॉडल के पास ले आती है, जो उसने जोड़ दिया था। ये नजारा तो यांग के दिल को छू लेता है और यांग लिन को उसकी परमानेंट असिस्टेंट बनने की ऑफर कर देता है। लिन साफ मना कर देती है, जहाँ वो नशे में यांग को अपने फ्यूचर से आने के बारे में बता देती है, लेकिन यांग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। अगले दिन ये लोग वापस कंपनी पहुँचते हैं, जहाँ बाहर ही बहुत सारे लोग यांग के खिलाफ बैनर लेकर खड़े होते हैं। यांग फौरन अपने पिता से मिलता है, जो मीटिंग में बैठे थे, और यहाँ जैन एक बार फिर यांग को अपने किए की जिम्मेदारी लेने के लिए कहता है। यांग को अपने एम्प्लॉयज की मदद से पता चलता है कि किसी ने उसके विला को दोबारा बनाने का प्लान आउट कर दिया है, जिसमें उसने खास पेड़ पौधों की मदद से विला को खूबसूरत बनाने का सोचा था। लोग इस बात के खिलाफ थे कि यांग खास पौधों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब पता ये करना था कि यांग का प्लान जैन तक किसने पहुंचाया। जा को चैंग पर शक था, इसीलिए वो सबके साथ मिलकर उसकी अच्छी खासी बुराई करती है। यहाँ लिन को ये जानकर हैरानी होती है कि चैंग यांग का सौतेला भाई है। यांग सबके साथ मिलकर मसले का हल ढूंढने लगता है, जहाँ उसे लिन का आइडिया सबसे ज्यादा पसंद आता है कि उन्हें प्लांट एसोसिएशन को डोनेशन देना चाहिए ताकि वो खुश हो जाए। यांग सबकी जिम्मेदारी लिन पर डाल देता है, जहाँ सबको उनका हिस्सा देने के बाद लिन डोनेशन की जिम्मेदारी चैंग को दे देती है। सब काम में बिजी हो जाते हैं, जहाँ एक रात लिन यांग को बताती है कि जिस पौधे के खिलाफ सब लोग हैं, वो एक बहुत कीमती पौधा है जो कहीं नहीं मिलता। लोगों को डर है कि यांग उस पौधे को बर्बाद न कर दे, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पता चलता है कि लिन के पिता की मौत इसी पौधे की खोज में हुई थी, इसीलिए उसे इतनी जानकारी है। यांग लिन की बातें सुनकर उससे पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता। लिन उसे कोई जवाब नहीं देती, जिस पर यांग को उसकी फ्यूचर से आने वाली बात याद आ जाती है। वो अपने असिस्टेंट को कुछ जानकारी निकालने पर लगा देता है, जिसका पता हमें आगे चलेगा। चैंग जो रात देर तक काम कर रहा था, जून उसका कंपनी के बाहर बारिश में इंतजार करती रहती है, क्योंकि चैंग को उसका कंपनी के अंदर आना नहीं पसंद। यहाँ ये जरूर समझ आ जाता है कि चैंग जून से उतना प्यार नहीं करता जितना जून उससे करती है। अगले दिन यांग का असिस्टेंट उसे जून की जानकारी लाकर देता है, जिसका नाम लिन ने नशे में लिया था। वो उसे बताता है कि जून के माता पिता की डेथ हो चुकी है, जिसके बाद से वो एक ऑर्फेनेज में रहती थी। वहाँ उसकी एक ग्रैंडमा से अच्छा रिश्ता बन गया था, जो कि अब कोमा में है। कंपनी में सब सारा इल्जाम चैंग पर डालने लगते हैं, तो लिन को उसकी फिक्र होना शुरू हो जाती है। वो उसे ढूंढते हुए छत पर आ जाती है, जहाँ वो चैंग को तसल्ली देती है। यांग, जिसने लिन को जाता देख लिया था, वो भी उसके पीछे छत पर पहुँच जाता है। चैंग यांग को देख लिन को गले लगा लेता है और यांग वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। लेकिन यांग, जिसे उनके रिश्ते के बारे में जानना था, वो सब्र नहीं कर पाता और छत पर दोबारा आ जाता है, जहाँ उसे जून खड़ी मिलती है। जून को चैंग पर शक हो गया था कि वो उस पर शायद चीट कर रहा है, इसीलिए वो उसे कंपनी में मिलने आई थी। यहाँ यांग जून से ये पूछ लेता है कि अगर वो सच में चैंग से प्यार करती है, जिस पर जून हाँ में जवाब देती है। यांग उदास हो जाता है और अपने ऑफिस में लौट जाता है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि लिन फ्यूचर से अपना और चैंग का रिश्ता बचाने लौटी है। जून चैंग को ढूंढ लेती है, लेकिन वो उसे डांटकर कंपनी से भगा देता है। चैंग अचानक यांग को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता है, क्योंकि उसे दूसरी कंपनी में बड़ी पोजीशन पर जगह मिल गई थी। वो जाने से पहले लिन को साथ रेस्टोरेंट चलने के लिए कहता है, जिसके लिए वो मान जाती है। यांग का असिस्टेंट उसे एक फाइल देता है, जिसमें लिन ने उसके लिए पौधे के मुताबिक अच्छी खासी जानकारी ढूंढ कर रखी थी। यांग समझ जाता है कि लिन उसकी कितनी परवाह करती है, और वो भी उसके पीछे रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। यहाँ चैंग लिन को उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कह देता है, लेकिन तभी यांग उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। चैंग की सोच से पता चलता है कि वो हमेशा से यांग से नफरत करता था, क्योंकि यांग उससे हर चीज में अच्छा जो था। यांग लिन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है, जहाँ वो उसे उसके फ्यूचर से आने वाली बात का पता होने के बारे में भी बता देता है। लेकिन लिन उसे मना कर देती है, क्योंकि वो अपने गायब होने पर उसे उदास नहीं देखना चाहती थी। आगे इनकी डोनेशन में मसला आ जाता है, जो चैंग ने किया था। सब यांग
यांग के पिता पर प्रेशर डालने लगते हैं, जो मजबूरन यांग को सीईओ की पोजीशन से हटाकर टीम लीडर बना देते हैं। लिन इस सब का जिम्मेदार खुद को समझती है क्योंकि उसने चैंग पर भरोसा जो किया था। यांग उसे परेशान देखकर तसल्ली भी देता है, जहां लिन उसके साथ से खुश नजर आती है। यांग के पिता उसे सुधारने का एक मौका देते हुए एक प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे देते हैं, जिसके मुताबिक यांग को किसी बड़े होटल के बनने का प्रपोजल उनकी कंपनी को दिलवाना था। जैन चैंग से मिलकर उसे भी इस प्रोजेक्ट का बता देता है और इसे यांग से छीनने के लिए कह देता है। इसी बीच चैंग जून को भी बहुत बुरा भला कहकर उससे ब्रेकअप कर लेता है। जून जो चैंग के मुंह से लिन का नाम सुन चुकी थी, उसे ढूंढने कंपनी आ जाती है और यहाँ दोनों में आमना सामना हो जाता है। जून फौरन बेहोश हो जाती है, जिसे यांग के साथ लिन हॉस्पिटल ले आती है। जून जाकर लिन को बहुत सुनाने लगती है कि उसने चैंग को उससे छीन लिया, जिसकी बातों से गुस्सा होकर लिन यांग के साथ वहाँ से चली जाती है। अपना ध्यान भटकाने के लिए वो सबके साथ मिलकर होटल के प्रोजेक्ट के लिए मेहनत करने लगती है, जहाँ जाओ भी इनका अच्छे से साथ देती है। जाओ लिन को अकेले देख उससे बात करती है, जहाँ वो उससे ये पूछ लेती है कि अगर वो यांग को पसंद करती है। लिन हाँ में जवाब देती है, जो पीछे खड़ा यांग सुनकर खुशी से पागल हो जाता है। वो लिन के सामने कुछ शो नहीं करता, लेकिन उससे और अच्छा बर्ताव रखने लगता है। एक दिन लिन को हॉस्पिटल से कॉल आती है, जहाँ उसे जून के भागने का पता चलता है। उसे याद आता है कि उसने 10 साल पहले आत्महत्या करने की कोशिश की थी, इसलिए वो यांग के साथ उसे ढूंढकर बचा लेती है। यहाँ लिन को ये भी याद आ जाता है कि उसे 10 साल पहले यांग ने ही बचाया था, जो वहाँ से गुजर रहा था। ये बात लिन यांग को भी गले लगाते हुए खुशी से बता देती है, जहाँ यांग भी उसकी बात सुनकर खुश था। जून के होश आने पर लिन यांग को उसे साथ घर ले जाने के लिए कहती है, ताकि वो उसका ख्याल रख सके। यांग जून को उसके साथ चलने के लिए मना लेता है, लेकिन जून लिन के साथ रहने से मना कर देती है। यांग लिन को अपने दूसरे घर में शिफ्ट कर देता है, जो उसके फ्लैट के ऊपर ही था। लिन के कहने पर उसे मजबूरन जून के साथ ही रहना पड़ता है। चैंग और यांग के बीच होटल को लेकर अच्छा कंपटीशन होता है, लेकिन चैंग गलत तरीके से सबके सामने बेहतर बन जाता है। होटल का मालिक यांग को एक आखिरी मौका देता है, जिस बात को लेकर यांग बहुत परेशान हो जाता है। जून उसे ऐसा देख लिन को कॉल करके उसे तसल्ली देने के लिए कहती है, और यहाँ इन दोनों के बीच भी बातचीत से चैंग वाला मसला हल हो जाता है। लिन इंटरनेट से देखकर उदास इंसान को खुश करने के तरीके यांग पर आजमाती है, जो उसकी क्यूट हरकतों की वजह से बेहतर महसूस करने लगता है। यांग के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से उसे उनका काम संभालना पड़ता है, जिस वजह से उसके कांधों पर और भी बोझ आ जाता है। जून लिन और यांग के बिजी दिनों में उनका ख्याल भी रखती है, जहाँ लिन को मेहनत करते देख उसे भी हौसला मिल जाता है। आखिर यांग होटल का प्रोजेक्ट अपनी तरफ करने में कामयाब हो जाता है। चैंग की काली करतूतें सामने आ जाती हैं और जैन को भी कंपनी से निकाल दिया जाता है। यांग को कंपनी में अपनी पोजीशन दोबारा मिल जाती है, जहां सब खुश नजर आते हैं। जून यांग का घर छोड़कर एक नई शुरुआत करने निकल जाती है, जहां लिन को उस पर बहुत गर्व होता है। यांग एक बार फिर रोमांटिक तरीके से लिन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है, जिसे लिन इस बार एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों किस करते हैं। यांग के पिता की तबीयत सीरियस हो जाती है, जिन्हें डॉक्टर बाहर मुल्क सर्जरी के लिए जाने के लिए कह देते हैं। यांग अपने पिता को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें यांग की ज्यादा परवाह होती है। जाओ के पिता यांग के पिता से मिलकर यांग और जाओ की शादी की बात करते हैं, ताकि यांग के शेयर्स बढ़ जाएं और कंपनी लीगली उसके नाम हो जाए। यांग के पिता तो इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन यांग उन्हें साफ इनकार कर देता है। वो दूसरा रास्ता निकालने के लिए बहुत ज्यादा मसरूफ हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ लिन की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, यानी उसके जाने का वक्त करीब था। यांग के पिता लिन से अकेले में बात करते हैं और उसे यांग को उसकी भलाई के लिए छोड़ने का कह देते हैं। लिन भी मान जाती है, जहां वो यांग से ब्रेकअप करके कंपनी छोड़कर चली जाती है। लिन जॉनी के पास काम के लिए आती है, जो वेडिंग शॉप चलाता था। जॉनी भी उसे अपनी शॉप में जगह दे देता है। दूसरी तरफ बहुत सोचने के बाद यांग जाओ से शादी के लिए मान जाता है। जाओ जॉनी की ही शॉप में अपनी शादी की तैयारियों के लिए आती है, जहाँ लिन अपने जज्बात पर काबू करते हुए उनका साथ देने की पूरी कोशिश करती है। जल्द शादी का दिन आ जाता है, जहाँ यांग आखिरी बार लिन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। ऐसे यांग की शादी हो जाती है, जहाँ जाओ यांग की उदासी महसूस कर लेती है। शादी के बाद जाओ यांग के लिए एक वीडियो छोड़कर गायब हो जाती है। यहाँ वो अपने सारे शेयर्स भी यांग के नाम कर जाती है और उसे लिन के साथ खुश रहने के लिए कहती है। ऐसे यांग और लिन दोबारा एक हो जाते हैं, जहाँ यांग के पिता भी बाहर इलाज के लिए जाते हैं। यांग और लिन हर पल अच्छा
अच्छे से जीते हैं, जहां इनके कंपनी वाले भी दोनों के लिए खुश नजर आते हैं। चैंग, जिसने अभी भी हार नहीं मानी थी, उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने मरने से पहले उसके हिस्से में भी कुछ छोड़ा था। अब क्योंकि चैंग की माँ की वसीयत लॉ कंपनी के पास थी, तो चैंग वहाँ पहुँच जाता है जहाँ इत्तेफाकन जून ने काम करना शुरू कर दिया था। जून को बातों में लाकर चैंग अपनी माँ की विल लेकर वहाँ से चला जाता है। अब वो दिन आ जाता है जब कंपनी यांग की होने वाली थी, लेकिन यहाँ सेरेमनी को चैंग बीच में रोक देता है। वो अपनी माँ की वसीयत सबको दिखाते हुए कहता है कि कंपनी के कुछ शेयर्स उसके पास भी हैं और वो यांग के प्रेसिडेंट बनने के खिलाफ है। ऐसे यांग के रास्ते में दोबारा रुकावट आ जाती है। जून, जिसे चैंग पर शक था, उस फाइल की छानबीन करने लगती है जिसके पेपर चैंग लेकर गया था। लिन की तबीयत मजीद बिगड़ जाती है, जिसका यांग अच्छे से ख्याल रखता है। लिन यांग के साथ अपनी सारी उन खुशियों को पूरा करती है जिन्हें वो 10 साल से करना चाहती थी। एक दिन जून यांग के पास पहुंचकर उसे बताती है कि चैंग विल के मुतालिक कुछ छुपा रहा है। वो यांग के साथ चैंग के घर आ जाती है, जहां लॉ कंपनी के मालिक और जून के बॉस आकर ये सबूत सबके सामने रख देते हैं कि विल में चैंग की माँ ने ये बात भी लिखी है कि शेयर चैंग के नाम जब ही होंगे जब वो 40 साल का हो जाएगा। यहाँ चैंग का सारा खेल खत्म हो जाता है। अब यांग अपना सारा वक्त लिन को दे देता है। दोनों साथ ढेर सारे खास पल गुजारते हैं, जहाँ यांग लिन को प्रपोज भी कर देता है। आखिर यांग के प्रेसिडेंट बनने का दिन आ जाता है, जहाँ वो सबके सामने बहुत इमोशनल होकर स्पीच देता है। अचानक लिन बेहोश हो जाती है और यांग फौरन उसे गोद में उठाकर वहीं ले आता है जहाँ वो पहली बार मिले थे। दोनों में सैड से गुड बाय के साथ लिन दरवाजा पकड़ के गायब हो जाती है। ऐसे 10 साल गुजर जाते हैं जहाँ सब अपनी जिंदगियों में खुश थे। यांग अभी भी लिन की यादों के साथ जीता था और उसने उसकी सारी चीजें भी संभाल कर रखी थी। और वो एक दिन लौट आती है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। एंड में हम देखते हैं कि लिन ने एक बुक लिखी है पैरेलल वर्ल्ड नाम की। यहाँ यांग भी उसके साथ है और दोनों की शादी भी हो चुकी है। लिन के इन अल्फाज के साथ सीजन खत्म हो जाता है कि भले ही टाइम ट्रैवल करना असल ना हो, लेकिन जिंदगी में सबको उनका सच्चा प्यार जरूर मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।